आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। मुजफ्फरनगर शहर में बढ़ी हुई जनसंख्या व ट्रैफिक से आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मुजफ्फरनगर रोडवेज द्वारा काली नदी से शटल बस सेवा प्रारंभ की गई है, जिसको सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार एवं एसपी ट्रैफिक बीबी चौरसिया ने शटल बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार, एसपी ट्रैफिक बीबी चौरसिया व मुजफ्फरनगर रोडवेज एआरएम बीपी अग्रवाल ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि यहां काली नदी से हर 30 मिनट के बाद मुजफ्फरनगर से थाना भवन के लिए एक शटल बस सेवा प्रारंभ की गई है, जो सुबह 7:30 बजे से चालू होकर शाम को 7:30 बजे तक लास्ट बस के साथ समाप्त होगी। वही किराए की अगर बात करें तो शटल बस सेवा के अंतर्गत किराए में 25% के साथ भारी छूट प्रदान की गई है। यह शटल बस मुजफ्फरनगर से चलकर चरथावल से होते हुए थाना भवन पहुंचेगी। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए एक स्टेशन मास्टर बनाया गया है, जो यात्रियों की हर समस्या का समाधान करेगा। इस तरह की शटल बस सेवा चालू करने से यात्रियों को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा और शहर के अंतर्गत से जाम की समस्या से कहीं न कहीं छुटकारा भी मिलेगा। मुजफ्फरनगर से लाइव टुडे के लिए संवाददाता रोहित त्यागी की रिपोर्ट। आज काली नदी से बस सेवा शुभारंभ की गई है, लोगों के लिए फायदे के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध? इसमें गांव की सवारियों को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था लागू की गई है, यहां से शामली अड्डे से थाना भवन के लिए, और इसमें 25% छूट दी गई है, जिससे रियायती दरों पे टिकट मिल सकेगा लोगों को और यात्रा कर सकेगा। मुजफ्फरनगर से थाना भवन और चरथावल के लिए शटल बस सेवा लागू की गई है, जो सुबह 7:30 बजे से शाम को 7:30 बजे तक संचालन करेगी। प्रत्येक आधा घंटे में जो है यहाँ से बस सेवा, शटल बस सेवा जाएगी, और समय देखते हुए, सवारियों को देखते हुए, समय को और बढ़ाया भी जा सकता है। किराए में भी 25% की छूट है सर, 26 रुपया किराया यहाँ से थाना भवन का। किराए के संबंध में भी जो एआरएम साहब ने बताया सर, 25% की छूट दी गई है। ग्रामीण सवारियां जो यहां से थाना भवन और चरथावल के लिए जाएंगे उनको, और इससे हमारे जो ट्रैफिक है उसको भी काफ़ी निदान मिलेगा।